हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, जो कि आने वाले एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी कंसेंट्रेट ऑन द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय। इंडिया का सी रूट किसने डिस्कवर किया था? यहाँ हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला है कोलम्बस, दूसरा है एमर्सन, तीसरा है वास्को डी गामा और फोर्थ इज नरोदीस। तो स्टूडेंट्स, सी रूट डिस्कवर करने वाले पहले इंसान थे वास्को डी गामा। स्टूडेंट्स, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे और इन्होंने 1498 में पहली बार पोर्ट ऑफ कैलिकट पे कदम रखा और उस समय कैलिकट पे शासन था एक हिंदू शासक का जिसका नाम था जेमुरीन। तो जेमुरीन का शासन था उस वक्त कैलिकट पे और कैलिकट पे वास्को डी गामा ने पहली बार अपने कदम रखे और ये एक पुर्तगाली थे। अब हम इसके कुछ ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन था कोलम्बस। कोलम्बस एक्चुअली में एक इटालियन थे, इटालियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। इनका पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस है और ये एक जगह से आते हैं जिसका नाम था जिनोवा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है एमर्सन। एमर्सन ने साउथ पोल की खोज की थी और ये इसके लिए काफ़ी फेमस है। साउथ पोल पे जाने वाले पहले इंसान थे एमर्सन और नॉर्थ पोल पे जाने वाले जो पहले इंसान थे उनका नाम था रॉबर्ट पेरी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जाने वाले आदमियों का नाम क्या है। तो साउथ पोल पे जाने वाले हैं एमर्सन और नॉर्थ पोल पे जाने वाले हैं रॉबर्ट पेरी। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया अराउंड। आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडिया कब आए? सो हमारे ऑप्शंस है 8000 बीसी, 6500 बीसी, 3500 बीसी एंड 1500 बीसी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडिया 1500 बीसी में आए। कई बुक्स में इसका आंसर 2500 बीसी दिया हुआ है जो कि प्योरली रॉन्ग है। 1500 बीसी इज द करेक्ट आंसर। 1500 बीसी में आर्यंस सेंट्रल एशिया से इंडिया आए और इंडिया आते वक्त इन्होंने एक माउंटेन रेंज को पार किया था जिसका नाम था हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वतों को पार करते हुए ये भारत आए थे सेंट्रल एशिया से। और मैं आपको कुछ और सिविलाइजेशंस के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी। इसमें पहली है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टूडेंट्स रवि नदी के किनारे थी और ये एक्चुअली में पंजाब में थी, लेकिन ये पंजाब अब पाकिस्तान का पार्ट है। सो ये जो साइट है ये अभी इस वक्त पाकिस्तान में है और इसे खोजने वाले थे दयाराम सहनी। इन्होंने इसकी खोज 1921-23 में की थी और इस साइट पर हमें खुदाई के बाद नटराज की एक मूर्ति मिली थी जो कि स्टोन स्टैचू था एक नटराज का। और जो सेकंड फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी काफ़ी फेमस सिविलाइजेशन की साइट है जिसकी खोज की थी आरडी बैनर्जी ने। और स्टूडेंट्स, आर डी बैनर्जी ने इसकी खोज की थी और इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में। ये दोनों आप एक ही समय पे खोजी गई थी, आपस में काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज थी। और इनके जो मेन अट्रैक्शंस थे वो थे मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया था एंड जो वहाँ का स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था। प्रॉपर हाउसेस बने हुए थे, ईंटों के मकान थे और एक शिव की सील पाई गई थी, मोहर पाई गई थी जिसपे शिव की फोटो अंकित थी। और यहाँ पर ये इंडस रिवर के किनारे
स्थित है मोहनजोदड़ो का सिविलाइजेशन वैली, जो कि सिंध रिवर है, सिंध में, और सिंध पाक का एक पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोर्ट सिटी कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं। पहला है हड़प्पा, सेकंड वन इज कालीबंगन, थर्ड इज लोथल एंड फोर्थ इज मोहनजोदड़ो। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। सो पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, ये साइट गुजरात में है, और ये पोर्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसे खोजा गया था 1954 में, और इसकी खोज करने वाले थे एस आर राव ने इसकी खोज की थी। बेसिकली लोथल साइट पर हमें टाउन्स मिले थे जो कि अपर और लोअर टाउन्स में डिवाइडेड थे। अपर लोगों के लिए अलग से टाउन्स थे और लोअर लोगों के लिए अलग अलग टाउन्स थे यहाँ पर। और इसके बाद आता है कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में बता दूँ स्टूडेंट्स, ये राजस्थान में स्थित है और ये डिस्कवर हो रहा था 1961 में इसकी डिस्कवरी की गई थी, और इसी वक्त इसमें पाया गया था। और स्टूडेंट्स, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसके डिस्कवर थे बी बी लाल ने इसकी डिस्कवरी की थी 1961 में। और ये जो साइट है ये है घाघरा नदी के किनारे। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और इन चारों से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हिस्ट्री का एसएससी में, चाहे वो सीएचएसएल हो या एचसीएल या एमटीएस। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद इज बिलीव्ड बाय द हिस्टोरियंस टू बी बीन रिटन व्हेन इट वाज। ऋग्वेद कब लिखा गया था? पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि ऋग्वेद क्या है। हमारे हिंदू धर्म में चार वेदों को माना जाता है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है अथर्वेद और चौथा है सामवेद। ऋग्वेद स्टूडेंट सबसे ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद है, और इसके अंदर 128 हिम्स हैं और 10 मंडल्स हैं। ओके, और गायत्री मंत्र जो आता है वो भी हमारा ऋग्वेद के अंदर से ही आता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उच्चारण लिखा गया है, और जिससे हम भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। गायत्री मंत्र किसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ऋग्वेद है वो। और उसके बाद बात करते हैं सामवेद की। सामवेद स्टूडेंट्स, जितने भी हमारा संगीत है, वाद्य यंत्रों को बजाना है, सब कुछ इसके बारे में सामवेद में बताया गया है। सामवेद ध्रुपद राग और अदर टाइप्स ऑफ मेलोडियस सॉन्ग्स इसके अंदर अंकित हैं, और ये सारे म्यूजिक की बुक मानी जाती है, समझ लीजिए एक तरीके से। उसके बाद हमारा आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद स्टूडेंट्स, इसके अंदर रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, सारे रिचुअल और सेक्रीफाइसेस के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। कई बार एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सामवेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद में क्या बताया गया है। तो याद रखिएगा यजुर्वेद है रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस के लिए, सामवेद है सॉन्ग्स और मेलोडियस सॉन्ग्स के लिए। उसके बाद जो ऋग्वेद है इसमें आपको, ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है, इसमें हिम्स और मंडल्स हैं, 10 मंडल्स और 1028 हिम्स हैं। और हमारा बचा है अथर्वेद। अथर्वेद के अंदर स्टूडेंट्स स्पेल्स बताए गए हैं, इसके अंदर स्पेल्स बताए गए हैं जो कि इविल और डिजीजेस को हटाने के लिए लगाए जाते हैं। जितने भी तरह के स्पेल्स हैं अथर्वेद के अंदर वो सारे अंकित हैं। और अब हम आंसर आते हैं अपने पुराने वाले क्वेश्चन पे, ऋग्वेद हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं कब। तो ऋग्वेद को बिलीव किया जाता है कि इसे रिटन किया गया था बिगनिंग ऑफ आयरन एज, याद रखिएगा इसको स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट मुगल एम्परर वॉज, लास्ट मुगल रूलर कौन से थे। हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अकबर, दूसरा बाबर, तीसरा बहादुर शाह और चौथा है नूरजहां। अगर हम अपने पहले ऑप्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो अकबर जो थे वो तीसरे मुगल रूलर थे, और ये बैठे थे
हुमायूं के बेटे थे और ये ग्रैंडसन थे किसके, ये बाबर के ग्रैंडसन थे। बाबर कौन था, बाबर थे फर्स्ट मुगल रूलर। इन्होंने लड़ी थी लड़ाई पानीपत की और पानीपत के पहले बैटल में इन्होंने हराया था इब्राहिम लोदी को। स्टूडेंट्स ये बात ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है पानीपत की पहला युद्ध कब हुआ था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, पहला है बहादुर शाह और दूसरा है नूरजहाँ। नूरजहाँ जो थी स्टूडेंट्स ये वाइफ थी जहांगीर की वाइफ थी और इनका जो रियल नेम था वो था मेहरुनिसा नाम था इनका। इनको टाइटल दिया गया था नूरजहाँ का। जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर थे वो अपने जस्टिस के लिए बहुत फेमस थे। इनके कोर्ट में एक बेल ऑफ जस्टिस थी, वो बेल अगर कोई बजाता था तो उसको न्याय ज़रूर मिलता था ऐसा बोला जाता था। और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है बहादुर शाह का। बहादुर शाह स्टूडेंट हमारे लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। 1857 की क्रांति में इन्होंने नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे इनका बहुत साथ दिया था। और इसके बाद लेकिन दुर्भाग्यवश 1857 की क्रांति हम हार गए थे क्योंकि हमारे देश के कुछ राज्यों ने और कुछ रूलर्स ने साथ दिया था ब्रिटिशर्स का और ब्रिटिशर्स 1857 की क्रांति जीत गए थे। बट 1857 की क्रांति के बाद जो रूल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छिन गया था और ये रूल चला गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में। एक एक्ट पास किया गया था जिसे कहा जाता है चार्टर्स एक्ट के थ्रू ये जो पावर्स थी ये ट्रांसफ़र हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और इन्होंने बहुत ही प्रीमियर रोल अदा किया था बहादुर शाह जफर ने, ये लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। बाबर ने इंडिया में एंट्री पहली बार कहाँ से ली थी? सो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है सिंध, दूसरा पंजाब, तीसरा कश्मीर और फोर्थ है राजस्थान। सो स्टूडेंट्स बाबर के बारे में पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। बाबर जो था वो पहला मुगल रूलर था, फर्स्ट मुगल रूलर इन इंडिया, जिसने 1526 में आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। उस समय शासन था इब्राहिम लोदी का और इब्राहिम लोदी को हरा कर इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया था और ये बैटल कहलाई थी बैटल ऑफ पानीपत। पहली बैटल ऑफ पानीपत थी जिसके अंदर जीते थे बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर। उसके बाद 1527 में इन्होंने एक और बैटल लड़ी थी जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में इन्होंने हराया राणा सांगा को। राणा सांगा एक बहुत ही बड़े रूलर थे उस समय के, लेकिन उन्होंने हरा दिया था उस समय इनको। गन पाउडर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, गन पाउडर का इस्तेमाल इंडिया में सबसे पहले किया था बाबर ने और इसी की वजह से ये जीते थे पानीपत का पहला युद्ध और खानवा में भी जीते। उसके बाद 1528 में इन्होंने चंदेरी का युद्ध लड़ा जिसमें इन्होंने हराया मैदानी राय चंदेरी को। चंदेरी के युद्ध के बाद 1527 में मोहम्मद लोदी ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद लोदी भाई थे इब्राहिम लोदी के जिनको इन्होंने पानीपत के युद्ध में हराया था। और 1529 में मोहम्मद लोदी को हराया इन्होंने और उसको हराने के बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और आराम बाग में दफनाने के बाद में इनके रिमेन्स को ले जाया गया काबुल, जो कि इनका बर्थ प्लेस था। काबुल में भी जिस जगह पर इन्हें दफनाया गया उसका नाम आराम बाग ही था। आराम बाग में जब इन्हें दफनाया गया उसके बाद जब इनके वंशज थे हुमायूं और इनके बाद शासन आया हुमायूं के हाथ में। हुमायूं के हाथ में जब शासन आया तो उन्होंने 1530 में शासन अपने हाथ में लिया और 1539 में शेर शाह सूरी ने उन पर हमला कर दिया जिसकी वजह से शासन छिन गया 1540 में उनसे। और 1540 से फिर राज किया शेर शाह सूरी। ये अफगान थे स्टूडेंट्स एक, और ये इनका नाम शेर शाह सूरी इसलिए पड़ा था क्योंकि बोला जाता था कि ये काफ़ी शक्तिशाली थे और इन्होंने शेर को मार दिया था ऐसा बोला जाता है। और ये काफ़ी अच्छे रूलर थे, इनका शासन भी कुछ समय तक चला। और लेकिन जो हुमायूं थे इन्होंने 15 साल एग्जाइल में बिताए और उसके बाद अपनी सेना इकट्ठी करी और 1555 में इन्होंने दोबारा युद्ध किया और अपना जो राज्य था उसे पा लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 में इनकी मृत्यु हो गई हुमायूं की और जो पूरा राज्य भार था वो आ गया अकबर के कंधों पे। अकबर उस समय बहुत ही छोटे थे, 14 ईयर्स की एज थी उनकी। बैरम खान ने उनकी मदद की
पूरे शासन को संभालने में, और तब अकबर ने लड़ा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, विक्रमादित्य हेमू नाम था उनका। बैरम खान ने अकबर की तरफ से लड़ाई की थी उस दूसरे पानीपत के युद्ध में। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बाबर जो थे उन्होंने सिंध के, बाबर थे सिंध के किनारे से उन्होंने हमला किया था। सिंध एक जगह है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, तो इसका आंसर था सिंध। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अ नेशनल रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही वाज प्रोमुलगेटेड बाय। सो दीन इलाही एक धर्म था स्टूडेंट्स, जो कि स्टार्ट कराया गया था एक मुगल रूलर द्वारा। सो इसके ऑप्शंस है हमारे पास अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब। सो दीन इलाही स्टार्ट कराने वाले थे अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म स्टार्ट कराया था, और इसे सबसे पहले अपनाने वाले थे बिरबल। इनके दरबारी थे बिरबल, अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, और अकबर के नौ रत्नों में से एक थे बिरबल। सो स्टूडेंट्स, अब हम अकबर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अकबर का जो शासनकाल था वो 1556 से 1605 तक चला एडी, और इन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीते थे, और इन्होंने हराया था हेमू विक्रमादित्य को। हेमू विक्रमादित्य को हराने के बाद इन्होंने जो बहुत बड़ी बैटल लड़ी वो थी 1576 में। 1576 में इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, जिसके अंदर इन्होंने हराया प्रसिद्ध राजा राणा प्रताप को। राणा प्रताप को हराया था इन्होंने बैटल ऑफ हल्दी घाटी के अंदर। इनके दरबारी थे टोडरमल। टोडरमल का एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जिसे हम कहते हैं जब्ती सिस्टम। ये जब्ती सिस्टम बहुत फेमस था, काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम से पूछा जाता है जब्ती सिस्टम, या फिर इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, टोडरमल बंदोबस्त। तो ये इस नाम से ही पूछा जा सकता है, टोडरमल बंदोबस्त या फिर जब्ती सिस्टम। ये काफ़ी फेमस सिस्टम था उस वक्त, और टोडरमल भी इनके नौ रत्नों में से एक थे, और जो इनके शासनकाल में ही एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था रैल्फ फिच। सो स्टूडेंट्स, रैल्फ फिच एक इंग्लिश मैन थे जो पहली बार इनके राज्य में, इनके कोर्ट में आए थे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, ये उन्होंने 1972 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनाने के लिए कारण था गुजरात की जीत, इन्होंने गुजरात पर विजय पाई थी, और उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था सब। और इनका एक फेमस काम था स्टूडेंट्स, जजिया। जजिया एक कर होता है जो कि देना पड़ता था उस वक्त के लोगों को, ये एक टैक्स का फॉर्म था जजिया। जजिया को इन्होंने हटा दिया था पूरी तरह से, अबॉलिश कर दिया था, और बाद में जाकर औरंगजेब ने जजिया फिर से लगा दिया था। और इन्होंने कई तरह के रूल्स और रेगुलेशन बनाए थे, और इन्हें बहुत ही अच्छा राजा माना जाता है मुगल पीरियड का, और बहुत ही अच्छी तरह से शासनकाल किया था। इनका जो रूलिंग पीरियड था ये 49 ईयर्स के लगभग था, और दो ही राजा थे जो मुगल के अंदर जिनका पीरियड इतना लंबा था, एक थे अकबर और दूसरे थे औरंगजेब। औरंगजेब का पीरियड भी 49 ईयर्स का था, लेकिन ये बहुत ही तानाशाह राजा थे। ये बोला जाता है कि बहुत धर्म परिवर्तन में बहुत बिलीव करते थे, ये मुस्लिम बनवाना चाहते थे ज़्यादातर लोगों को, और बहुत ही तानाशाह राजा थे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यहाँ हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है एनी बेसेंट, तीसरा है डब्ल्यू सी बनर्जी, फोर्थ इज ए ओ ह्यूम। सो स्टूडेंट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ए ओ ह्यूम है, और इन्होंने ही 1885 में स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। सो याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से आते हैं, और मैक्सिमम हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में पूछ लिए जाते हैं। और हम दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं जरा सा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं आप इन्हें, 2 अक्टूबर 1869 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, और इनकी डेथ हुई थी 30th ऑफ
जनवरी 1948। इनकी डेथ को मार्टिर डे के रूप में भी मनाया जाता है, शहीद दिवस कहा जाता है इनके डे को और डेथ को। और इसी दिन ये इनको नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। हमारा सेकंड ऑप्शन है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट स्टूडेंट्स फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बहुत सारे आंदोलन जो हुए थे उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये फीमेल थी और फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यही थी। सो ध्यान दीजिए, कई बार पूछा जा सकता है एनी बेसेंट किस लिए और क्यों इम्पोर्टेंट थी इंडियन स्ट्रगल में। हु सेड दैट देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया, किसने कहा था कि भारत में स्लेवरी नहीं है। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। किसने ये कहा था कि भारत में बिल्कुल गुलामी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। पहला है फ्यांग, दूसरा है ट्रेबो, तीसरा है ह्यूम टीसेंग और फोर्थ इज मैगथनीज। सो वो थे मैगथनीज। मैगथनीज ने कहा था कि इंडिया में बिल्कुल गुलामी नहीं है, देर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। और मैगथनीज जो थे ये ऑथर थे एक बहुत ही फेमस बुक के जिसका नाम था इंडिका। बहुत बार पूछा गया एसएससी में क्वेश्चन है ये। इंडिका के राइटर थे मैगथनीज और ये आए थे भारत। उस समय शासन था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आए थे और इन्होंने ये बुक लिखी थी इंडिका। इन्हें भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, जो कि सेनापति थे अलेक्जेंडर सिकंदर के। और हम अब दूसरे ऑप्शन के बारे में भी ध्यान दे लेते हैं इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है फैंग। जो ये फैंग थे स्टूडेंट्स ये एक चाइनीज यात्री थे और ये शासनकाल में आए थे, वो थे चंद्रगुप्त। उस समय चंद्रगुप्त का शासनकाल था, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के शासनकाल में आए थे फैंग। और काफ़ी फेमस यात्री थे ये, चाइनीज ट्रैवलर थे एक। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये ट्रेबो। स्टूडेंट ट्रेबो कभी भारत नहीं आए, ये एक ग्रीक फिलोसोफर हैं, ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। तो ग्रीस के एक फिलोसोफर हैं और वहाँ के एक हिस्टोरियन भी हैं, ट्रैवलर भी कहा जा सकता है इन्हें। और ये भारत कभी नहीं आए तो हमारा ऑप्शन दिए तो हो ही नहीं सकता। आगे हमारा थर्ड ऑप्शन है ह्यूम टीसेंग। ह्यूम टीसेंग स्टूडेंट्स हर्षवर्धन के काल में आए थे, याद रखिएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कार्यकाल में आए थे। और उस वक्त जो डायनेस्टी थी वो थी पुष्पवती डायनेस्टी। पुष्पवती डायनेस्टी के राजा थे हर्षवर्धन, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े रूलर थे उस समय के हर्षवर्धन। और उनके काल में आए थे ह्यूम टीसेंग। और मैगथनीज याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who introduced English in India? English को किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले इनके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होते थे, इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते थे। लेकिन 1833 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इनके कुछ काम बहुत फेमस थे, जैसे कि इन्होंने सती प्रोहिबिशन कराया था, सती प्रथा को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद ठग एलिमिनेशन, ठग्स को हटा दिया था इन्होंने, इनके बहुत ही अच्छी उपलब्धियों में गिना जाता है ये सती प्रथा प्रोहिबिशन। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने अदर ऑप्शंस की। तो हमारा पहला ऑप्शन था लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के फादर के रूप में जाना जाता है इनको। लोकल गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था इन्होंने, इसीलिए फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। और इन्हीं के शासन के दौरान सर विलियम हंटर कमीशन बनाई गई थी। और इस कमीशन का मेन उद्देश्य ये था स्टूडेंट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। एक्चुअली स्टूडेंट्स बात ये थी कि उस समय जो लेबर थी वो उनको, जो गवर्नमेंट थी हमारे देश की ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको अपने देश से
वर्कफोर्स मंगानी पड़ती थी क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से नहीं आती थी, लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ही लो था, इसीलिए ये कमीशन बनाई गई ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और यहीं पर ही चीप लेबर्स बनाया जा सके ताकि उन्हें वर्कफोर्स के लिए इंग्लैंड और ब्रिटिश कंट्रीज से लोगों को ना बुलाना पड़े, यहीं पर यहीं के लोग उनके काम को ईजिली और सस्ते रूप में कर दें, इसीलिए सर विलियम हंटर कमीशन बनाई गई। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी जो स्टूडेंट फेमस थे वो था ए पॉलिसी दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपने सुना ही होगा, इसके तहत ये कानून था कि अगर किसी राज्य के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो पूरी राज्य की जमीन और पूरी राज्य की संपत्ति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगी। और ये इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध भी किया था क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने गोद ली थी एक संतान को और उस समय ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो उनका जो स्टेट है पूरा वो उनके अंडर में आ जाए झांसी। और जो पहला स्टेट था वो था सतारा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के थ्रू हथियार लिया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स फूट डालो और राजकरण नीति अपनाते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इसी का एक उदाहरण है और इसी के तहत वो ले लेते थे अपने उनकी जमीनें और डिफरेंट रूलर्स के संपत्तियों को। और डलहौजी की बात करें स्टूडेंट्स तो इनके जो कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि इन्हीं के शासनकाल में 1853 में पहली रेल चलाई गई मुंबई से थाने के बीच, पोस्टल रिफॉर्म्स बहुत लाए गए, टेलीग्राफ लाइनें चलाई गई कैलकटा टू आगरा। सो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी ट्रेन, पहली ट्रेन जो मुंबई से थाने चली थी, और पहला पोस्टल रिफॉर्म भी इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था। इसके बाद कराची में जो फर्स्ट स्टैंप जो प्रिंट हुई थी वो कराची में हुई थी, फर्स्ट स्टैंप इशू। एंड विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज में इनका बहुत बड़ा हाथ था, विडो रिमैरिज। और इसके एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ मिलकर इन्होंने विधवाओं की शादी करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और इस ये जो गलत प्रथा थी कि उस समय विडोज की शादी नहीं होती थी इसको इन्होंने रोका था इंडिया में। स्टूडेंट्स और हमारे जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये बहुत फेमस है कि इनके शासन के दौरान ही रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी, सत्तरवीं क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान ही हुई थी जब ये शासन कर रहे थे, और इनके शासन में ही विड्रॉ कर ली गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। जैसे मैंने ऊपर बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के बारे में, इसे विड्रॉ कर लिया गया था, इसे हटा दिया गया था क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई थी। और एक फेमस चीज़ और थी लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइसराय थे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये, लेकिन फर्स्ट वॉइसराय। लॉर्ड बुद्धा मेड हिज फर्स्ट सर्मन एट, लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था? सो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं सारनाथ, पाटलिपुत्र, कपिलावस्तु और लुम्बिनी गार्डन। सो स्टूडेंट्स जो पहला सर्मन दिया था गौतम बुद्ध ने वो था सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने पहला सर्मन दिया था। और गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहा जाता था बचपन में इन्हें। ये बॉर्न हुए थे 1563 BC बिफोर द क्राइस्ट और इनका बर्थ प्लेस था लुम्बिनी। लुम्बिनी एक जगह है स्टूडेंट्स जो कि नेपाल में स्थित है और नेपाल में जन्मे थे 1563 BC में लुम्बिनी में। इनकी माता का नाम था महामाया, महामाया। और लेकिन इनकी जो माता थी वो इनके जन्म देने के बाद डेथ हो गई थी उनकी, और इनका पालन पोषण किया था इनकी एक स्टेप मदर थी और स्टेप मॉम का नाम था इनकी गौतमी, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। इनकी मैरिड हुई थी यशोदरा नाम की एक युवती से, और इनका एक बेटा हुआ उनसे, उसका नाम था राहुल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगर पूछा जाता है इसके बारे में भी गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या है। और 29 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 29 ईयर्स इन्होंने घर छोड़ दिया था और 35
कि एज पे जब ये 35 साल के हुए तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसे कहा जाता है निर्वाणा। निर्वाणा एक शब्द बहुत ही कीवर्ड शब्द है इसके लिए। बौद्ध गया में जब 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस चीज को कहा जाता है निर्वाणा। और उसके बाद फर्स्ट जो इन्होंने सरमन दिया था सारनाथ में, इसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा, सारनाथ में जो इन्होंने पहला रोचन दिया था उसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन। इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी और इन्हें दफनाया गया था। लॉर्ड बुद्धा जो थे, इनकी जो लिटरेचर थी, ये एक लैंग्वेज है पाली, पाली में है, पाली लैंग्वेज मानी जाती है बौद्ध की। द सिविल सर्विस इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाय, इंडिया के अंदर सिविल सर्विस किसने एस्टेब्लिश की थी? इसके लिए हमारे ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्निवल्स। सो स्टूडेंट, सिविल सर्विस इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाले गवर्नर थे, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्निवल्स। लॉर्ड कॉर्निवल्स को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया के अंदर सिविल सर्विस के पिता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्निवल्स को। इसके साथ साथ उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स में भी बहुत सारा काम किया था। एस्टैब्लिश किया था एक सिस्टम जिसे कहा जाता है थानास। थानास को एस्टैब्लिश करने वाले यही थे। इसमें इन्होंने बताया था कि जो थानास हैं उनको हेड करा जाएगा दरोगा के द्वारा, जैसा कि आप आज के थानास में भी देखते हैं दरोगा SHO जो हेड करते हैं थानास को। ये रिफॉर्म लॉर्ड कार्निवल द्वारा ही किया गया था। थर्ड मैसूर वॉर हुई थी लॉर्ड कार्निवल के टाइम पर और ट्रीटी ऑफ श्रृंगपट्टनम भी साइन हुई थी लॉर्ड कार्निवल के टाइम पर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही फेमस ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम एक ट्रीटी थी जो साइन हुई थी थर्ड मैसूर वॉर के बाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये और यह साइन हुई थी लॉर्ड कार्निवल के टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए बुकवॉर्म्स ऑफ SSC। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बना सकें और आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकें उस एक वीडियो के अंदर। So students, good luck and goodbye for your future exams.